रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस। हाई अलर्ट पर रूसी फाइटर प्लेन। अमेरिका हुआ चौकन्ना। रूस, चीन, पाक एक साथ। दुश्मन पर है निशाना। जल, थल और वायु तीनों ही जगह अपनी ताकत देखने, दिखाने और सीखने सिखाने के लिए दक्षिणी रूस के कैस्पियन तट पर एक साथ 6 देशों की सेनाएं मौजूद हैं। कॉकेशस 2020 नाम के सैन्य अभ्यास में रूस, चीन, बेलारूस, ईरान और पाकिस्तान शामिल हैं। पिछले कई दिनों से ये सैन्य अभ्यास चल रहा है, जो अगले 26 सितंबर तक यूं ही चलता रहेगा। अभ्यास के दौरान आसमान से बम गिराते लड़ाकू विमान दिखे तो जमीन पर सैनिकों की टुकड़ियों ने गोलियां बरसाई। समंदर में भी लहरों को चीरकर दमखम का जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के लिए रूस के SU-27 और SU-30 लड़ाकू विमान क्रीमिया, क्रास्त्रोडार, स्टावरोपोल और रोस्तोव क्षेत्र में ऑपरेटिव एयरफील्ड पर लड़ाकू वायु रक्षा ड्यूटी पर तैनात हैं। यहां से उड़ान भरकर फाइटर जेट इस युद्धाभ्यास में भी शामिल होंगे। इस युद्धाभ्यास में डिफेंसिव तकनीकी, युद्ध क्षेत्र के कंट्रोल और कमांड के अलावा हवाई और जमीनी हमले करने का अभ्यास किया जाएगा। रूसी सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया, जो पूरी तरह सफल रहा। ताकत की इस नुमाइश में कई नई तकनीकों का भी इस्तेमाल देखने को मिल रहा है। चीनी सेना ने भी इस दौरान नए हल्के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पेश किए हैं। इसके अलावा इस मिलिट्री डील में सैकड़ों बख्तरबंद टैंक, फाइटर जेट, वॉरशिप के अलावा दूसरे खतरनाक हथियारों का प्रदर्शन जारी है। बताया जा रहा है कि कुल 80,000 से ज्यादा सैनिक इस संयुक्त अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि फ्रंट लाइन सैनिकों की संख्या 13,000 से ज्यादा नहीं है। अमेरिका ने भी बड़े पैमाने पर इस युद्धाभ्यास की निगरानी करने का फैसला किया है, क्योंकि इसमें अमेरिका के 3 दुश्मन देश एक साथ हिस्सा ले रहे हैं। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास उस समय चल रहा है जब चीन और ईरान के साथ अमेरिका के रिश्ते बेहद खराब हैं और अमेरिका कोरोना वायरस की जद में है। कॉकेशस 2020 रणनीतिक युद्धाभ्यास में रूस के अलावा चीन, पाकिस्तान, ईरान, म्यांमार, अर्मेनिया, बेलारूस, अजरबैजान, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान और श्रीलंका भी शामिल हैं। इनमें से कई देश केवल ऑब्जर्वर के रूप में सैन्य अभ्यास में शामिल हो रहे हैं। बता दें कि भारत को भी इसमें शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया था, लेकिन पाकिस्तान के वहां मौजूद होने के चलते, साथ ही दुनिया में कोरोना के प्रकोप के चलते, भारत ने इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर बताएं।